वहीं जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी में आज नेत्रदान जागरूकता को लेकर आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को आई डोनेशन के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में निम्स यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर डॉक्टर स्वाति तोमर, सेक्रेटरी आई बैंक ललित कोठारी, एग्जीक्यूटिव मेंबर आई बैंक गोविंद गोरबाड़ी समेत सामाजिक कार्यकर्ता अंजू जैन शामिल हुई। सबसे पहले कार्यक्रम में शामिल हुए दिग्गजों का स्वागत किया गया, उसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दिग्गजों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आंखें होना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी के जीवन में अंधापन आ गया हो तो उसे दूर किया जा सकता है और नेत्रदान के जरिए इंसान मरने के बाद भी अपनी आंखें डोनेट करके किसी की जिंदगी में रोशनी भर सकता है। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है एंड द यंग जोश इज व्हाट वी नीड राइट नाउ टू स्प्रेड दिस वर्ड बिकॉज़ अवेयरनेस आपके घर के पास, गांव में, आपके शहर में, सब जगह जरूरत है। और जो गैप ललित जी ने और अंजू जी ने बताया कि कितना जबरदस्त गैप है, 3 लाख लोग को जरूरत है और पर यार हम केवल 17,000 कॉर्नियाज इकट्ठा कर पाते हैं, तो ये गैप हर साल बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप प्रोपोगेट नहीं करोगे इस चीज को तो शायद ये गैप कभी पूरा नहीं होगा। और हम कॉर्निया के वो जो हम अंधता निवारण की या इराडिकेशन ऑफ कॉर्निया ब्लाइंडनेस की बातें करते हैं, वो शायद हम कभी भी वी कैन नॉट रीच दैट। I would like to, I would not take too much of time, just end with a story of one of my patients, जो 90 साल की एक महिला दोनों आंखों से अंधी मेरे पास आई और उसने कहा, उसके घरवाले हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए कि हमसे तो कुछ नहीं होता, इतना ऐसे दिखता है और कुछ है बोलती रहती है, आपको आए तो कर दो नहीं तो उसको वापस भेज दो। हमने उसका ट्रांसप्लांट किया और पहले तो वो अपनी फैमिली के साथ दिखाने आती थी, उसके बाद धीरे धीरे वो अकेले आने लगी। आज हम नीम्स हॉस्पिटल में आए हैं और नेत्रदान हमारा जो पखवाड़ा चल रहा है 15 दिन से, उसके लिए अवेयरनेस के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और अपने नर्सिंग स्टाफ हैं, क्योंकि जो भी नेत्रदान होता है, जो डेथ्स होती हैं या कोमा में डेथ्स होती हैं, वो हॉस्पिटल से ज़्यादा आती हैं, तो यहाँ अवेयरनेस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और आज की तारीख में हमें राजस्थान में पर मंथ करीब 250-300 कॉर्नियास मिल रही हैं, वो अलग अलग सेंटर से, जयपुर सबसे बड़ा सेंटर है, तो हम इसको और इंक्रीज करवाना चाहते हैं, क्योंकि करीब 2 लाख से भी ऊपर कॉर्निया ब्लाइंडनेस है जयपुर में, राजस्थान में। उसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट, एनजीओ और हॉस्पिटल्स लगे हुए हैं और इसको हम कोशिश करना है कि 10 साल के अंदर राजस्थान कॉर्निया ब्लाइंडनेस फ्री हो जाना चाहिए। एक दूसरे पर सामने जैसे आशीर्वाद के लगभग 2,000 प्रकरणों से ज्यादा करें, अगर राजस्थान में उन सबके कॉर्निया सामान्य अलग कोई जब हम बात करते हैं तब उस बात सोचते लेकिन यही